नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इथेरियम 2.0 फेज 0 लॉन्च के बारे में। जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि $500 मिलियन वर्थ का इथेरियम फेज 0 लॉन्च के लिए स्टेक किया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज इथेरियम 2 का फेज 0 लॉन्च है। अब इससे ख़ास बात ये है कि इससे क्या मतलब बनता है, जो एग्जिस्टिंग इथेरियम होल्डर्स हैं उनको क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है। की योंग जू, CEO ऑफ क्रिप्टो क्वांट, रिसेंटली सेड एज द इथेरियम 2.0 लॉन्च डेट अप्रोचेज, इट सीम्स टू बी अ ग्रोइंग कोरिलेशन बिटवीन ETH प्राइस, indicating that Ethereum holder may benefit from more market optimism as the update arrive. जैसे जैसे Ethereum 2.0 की और अपडेट आती जाएंगी, अभी फेज 0 है, उसके बाद फेज 1 आएगा, फेज 2 आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा था बहुत लंबे समय से, अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। प्रूफ ऑफ वर्क से अब प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे और अपडेट्स आते हैं, वैसे वैसे आपको अपने Ethereum के प्राइसेस में कुछ पॉजिटिव फ्लक्चुएसन, पॉजिटिव कुछ बेनिफिट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा दूसरे लोग बोल रहे हैं जो मैं आर्टिकल में देख के आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा इथेरियम 2.0 स्टेकिंग इज कमिंग टू कॉइनबेस। वंस इथेरियम 2 इज सपोर्टेड, एग्जिस्टिंग कॉइनबेस कस्टमर्स विल बी एबल टू कन्वर्ट देयर ईथर टोकन टू ईथर 2 एंड अर्न स्टेकिंग रिवॉर्ड। जब भी इथेरियम 2 सपोर्ट होने लग जाएगा एक्सचेंजेस में, उसके बाद कॉइनबेस के जो कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, वो अपने ईथर को कन्वर्ट कर सकते हैं ईथर 2 में, और स्टेकिंग रिवार्ड का अर्न करने का लुत्फ आनंद उठा सकते हैं। तो इस तरह की एक न्यूज़ है दूसरी, कॉइनबेस ने ये अपने बारे में बता रखा है। तो यही दो न्यूज़ थी जो मुझे आज आप लोग को देनी थी। इसके अलावा प्राइसेस के बारे में देख लेते हैं। बिटकॉइन का जो प्राइस है $19,436 का चल रहा है राइट नाउ बिटकॉइन, और 24 आवर्स में 5.31% का गेन है। इथेरियम $606 का चल रहा है, XRP $0.65, लाइटकॉइन $88, बिटकॉइन कैश $313, चेनलिंक $14 का, चेनलिंक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, $14 का चेनलिंक चल रहा है, कार्डानो $0.16 का चल रहा है, पोलकाडॉट 5.35, और बाइनांस कॉइन BNB $31.47। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, कल मैंने अपने कम्युनिटी में एक पोल चलाया था कि जो BNB कॉइन है क्या वो इस साल $60 को पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। 22 लोगों ने उस पर वोट दिया है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, प्लीज़ जाके कम्युनिटी में, मैं जैसे कोई भी पोल चलाता हूँ तो उनमें वोट दो अपने, ठीक है। आपके वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे उससे कई बार रुझान पता चलता है आप लोगों का। तो जितना भी हो आप लोग वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी आप लोगों से अपील है। इसके अलावा मैं और वोट भी चलाते रहूँगा। और दूसरा एक ख़ास बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कई सारे लोग पूछते हैं कि आपके अपने जितने भी एसेट हैं आपने ले रखे हैं, उसमें से कौन सा एसेट है, जो कौन कौन से एसेट है। तो मैं बाकियों का तो बताते रहूं कि आपको मैं ख़रीदता बेचता रहता हूं, लेकिन एक एसेट है जो परमानेंटली मैंने अपने पास रखा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे उससे बहुत ज़्यादा होप है, तो वो BNB है, ठीक है। बाइनांस का अपना कॉइन है BNB, उसका वैसा कोई वो कॉइन नहीं है जैसे और कॉइन है, उनकी वैसी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो केवल एक्सचेंज बेस्ड कॉइन है, जितना भी सपोर्ट होता है वो एक्सचेंज पे ही प्रोवाइड करता है, और एक्सचेंज के बढ़ने के साथ ही BNB का अपना बढ़ना आप लोग को दिखाई देगा। लेकिन जितने भी वर्क वो लोग कर रहे हैं बाइनांस एक्सचेंज वाले, जिस तरीके से भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो मुझे कहीं ना कहीं BNB को आगे बढ़ाने की भी एक तरीके से, BNB का प्राइस भी उनसे रिलेटेड ही दिखाई देता है मुझे। तो इस तरीके से मैं उस पर बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ, और BNB को मैंने इस वजह से होल्ड कर रखा है। तो एक BNB है जो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।